मैं हूं तबीब ज़फ़र इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं आज आपको पके हुए आमों के बारे में बताऊं। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और ये फल बहुत सारे मुल्कों में, पाकिस्तान में भी बेहद पसंद किया जाता है। आम खाने के वैसे तो बेशुमार फ़वाद हैं, लेकिन मैं आपको इनके बारे में तो थोड़ी तफसील बताऊँगा। आम की कई अकसाम हैं, जैसा कि लंगड़ा, रसौली, बैंगन, फली, चौंसा, सिंदड़ी, अनवर रटौल वगैरह। अकसाम के लिहाज से आम हर किस्म में यकसां पसंद किया जाता है। ग़िज़ाई माहरीन के मुताबिक आम में 20% विटामिन्स, मिनरल्स, मदनियाती अज़ा पाए जाते हैं। तिबी लिहाज से आम जो है वो कोलून, कैंसर, ज़्याबितीस और दिल की बीमारियों के ख़तरात को दूर करता है। आम के फ़वाद में आम जल्द के लिए बहुत अच्छा है, मोटापे को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। आम का इस्तेमाल लू लगने से महफूज रखता है। कैंसर के मरीज़ों के लिए आम का फल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। आँखों की बिनाई को तेज़ करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अंदर कैल्शियम वाफर मकदार में पाई जाती है। कुव्वत मुदाफ़त इससे बहुत बेहतरीन होती है। कोलेस्ट्रोल के तवाज़ुन को ठीक रखता है, यानी अनीमिया, खून की कमी को दूर करता है। दमे की बीमारी में बेहतरीन इस्तेमाल करता है। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर और कब्ज़ कुशा है। आम हर बंदे की पसंद है, मोटापे को दूर करता है। गर्मी में काम करने वाले लोग, जिनको हीट स्ट्रोक हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। नज़र जो रात को कम आता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये खून की कमी में जो हमला ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, भूख लगवाता है और फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस